वेलकम स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे ए प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है फाइंड दी मॉड्युलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वन माइनस आई इन रूट थ्री करके है ठीक है सो मॉड्यूल एंड एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे नाउ सी द दॉलोअ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस ठीटा प्लस आई साइन टीटा है हमको क्या चाहिए आर एंड थीटा चाहिए इधर फाइंड करके इसमें सब्स्टिट्यूट करना है ठीक है नाउ सो सो मॉड जेड इज इक्वल टू कैसे आएगा दैट इज ए आर मींस आर मीन्स वॉट रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्र आएगा ठीक है नाउ सी द कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन जेड इज इक्वल टू वन माइनस आई इन टू रूट थ्री करके है दैट इज ए आर थीटा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं सो आर कॉस्टिटा प्लस आई साइन थीटा करके भी लिख सकते हैं ठीक है नाउ सी दैट इज ए जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है सो so, x क्या है इधर ए एक्स पार्ट हो गया ए वाई पार्ट हो गया x क्या है इधर सो x इज इक्वल टू वन है एंड y क्या है माइनस रूट थ्री है इधर ठीक है नाउ सो z इज इक्वल टू एक्स वाई और दैट इज ए वन माइनस रूट थ्री एक्स हो गया ए वाई हो गया ठीक है नाउ फाइंड करेंगे अल्फा इज इक्वल टू क्या है इधर टैन इनवर्स मोड वाई बाई एक्स है इधर दैट मीन्स टैन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री डिवाइड बाई वन ये हो गया टेन इनवर्स रूट थ्री होता है सो रूट थ्री कितना होगा टेन इनवर्स रूट थ्री दैट इज ए सिक्सटी डिग्री दैट इज ए फाइव बाई थ्री ठीक है ना सो जेड इज इक्वल टू एक्स वाई एंड वन एक्स इज वन है वाई इज ए माइनस रूट थ्री है इधर ठीक है नौ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कैसे लेना है इस तरह लेना है देखो टू पाई माइनस अल्पा सो इज टू पाई माइनस अल्पा क्या है इधर इज ए पाई बाय थ्री है सो थ्री इंटू टू सिक्स होता है सिक्स पाई माइनस पाई किया तो ए पाई बाय आ गया यही टीटा टू पाई बाय थ्री हो गया हमको टीटा मिल गया सो एम्पलीट्यूड ऑफ इज इक्वल टू पाई माइनस अल्पा ऐसे क्यों क्यों लेना है सी दिस वन सो एक्स एंड वाई एक्सिस ओके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है सेकेंड क्वार होता है ए थर्ड क्वारंट होता है ए फोर्थ क्वारंट होता है ठीक है इन फर्स्ट क्वारंट एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज ए अल्फा आएगा इन एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज ए पाई माइनस अल्फा बिलो डिग्री थर्ड क्वार पाई प्लस अल्फा आएगा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज क्या पाई प्लस अल्पा मोरदेन वन एटी डिग्री ओके इन फोर्थ क्वारंट सो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज ए जो पाई माइनस अल्फा मीन मतलब बिलो थ्री सिक्सटी डिग्री सो सी इधर एक्स क्या है पॉजिटिव है वाई क्या है नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव मीन ए हो गया वाई नेगेटिव मीन ए हो गया मीन्स माइनस अल्पा लेना है बाद में अल्पा का करना है, हमको मिल जाएगा. So, Z निकालेंगे सो मॉड जेड मॉड जेड क्या है आर है आर मतलब स्कोर स्क्र प्लस वाई एक्स क्या है इधर वन है प्लस वाई वाई स्क्वेयर रूट थ्री होल आएगा दैट इज इक्वल टू स्क्र रूट ऑफ स्क्ज वन स्क्र रूट स्क्र कैंसिल सिर्फ रूट फोर आएगा वन मॉल इज इक्वल टू आर इक्वल टू टू आ गया सो आर इज ए टू आ गया ओके नोला फॉर्म इज सो वन माइनस आई इन टू रूट थ्री दिया गया है दैट इज ए आर इन टू कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा है ठीक है दैट मीन्स वन माइनस आई इन टू रूट थ्री दैट इक्वल टू आर क्या है इधर टू है इंटू कॉस्ट थीटा थीटा क्या है फाइव पाई बाई थ्री है प्लस आई प्लस आई इन टू साइन टीटा क्या है फाइव पाई बाई थ्री इस तरह हम मॉडुलस एंड ऑफ जेड निकाल सकते हैं अगर आप इस वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट्स भी दीजिए सब्सक्राइब किए तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब के प्ले में चाहिए और आई बटन में भी कुछ लिंक्स है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक्स है थैंक्स फॉर वॉचिंग